हे गाइस, दिस मी शुभम गौतम, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी एंड अ सेफ दीपावली। क्रैकर्स कम जलाइए, पोल्यूशन कम फैलाइए, और उस पोल्यूशन से बचने के लिए थोड़े से पौधे और लगाइए, जिससे कि आपको क्रैकर्स जलाने में आगे कोई परेशानी ना हो। सो हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। जला रहे हैं गाड़ी, आज हेलमेट पहने और हम लोग जा रहे हैं अपने पटाखे लेने। पटाखा पटाखा फुलझड़े चालू कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन हम पटाखा लेने जा रहे हैं, रियल पटाखा लेने जा रहे हैं। गौरव सर अपनी पल्सर बुगाती वेरॉन लेते हुए गाड़ी कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता दिया पल्सर बुगाती वेरॉन चिरान 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 चिरान। अबे भाई किधर चले हैं? लेफ्ट ही चलना पड़ेगा, बहुत दूर है वो। तो भाई आ गए हम लोग अपनी पटाखे की दुकान, यहीं पास में ही लगी हुई है, पर इसका नाम क्या है? जल निगम मार्केट। जल निगम पटाखे की दुकान, पटाखा और जल। जल भी है और निगम भी है। और भीड़ देखिए कितनी है, भीड़ दिखाता हूँ पटाखा लेने के लिए। मतलब हम लोग क्रैकर फ्री दिवाली बोल रहे हैं और हम लोग लेने आए, ये समझेंगे हम लोग पटाखे जलाने हैं, और शगुन के लिए जो पटाखे होते हैं वो लेने के लिए आए। एक दो तो जलाने ही चाहिए। तो लेकिन यहाँ भीड़ देखिए, यहाँ लोग हजारों हजारों 10,000 के पटाखे भर के लेके जा रहे हैं। हाँ भे पटाखे कब चल सकते हैं कुछ पता नहीं। देखिए देखिए सब जा रहे हैं पटाखा लेने, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। ये देखो बंदूक है, पिस्तौल हाथ में बैठे हैं। पूरी मार्केट भरी पड़ी है। कौन कहता है क्रैकर फ्री दिवाली करनी थी, ये सब पटाखे नहीं जलाएंगे, देखने आए कितनी दुकानें लगी है। पटाखे हम लोग कहाँ जलाने वाले हैं, जितना हो सके कम जलाओ, पोल्यूशन बचाओ। पूरे में मार्केट फैली हुई है, जबकि एक छोटी मार्केट है, अभी मेन मार्केट नहीं लगी। बहुत ज्यादा पटाखे की दुकान लगी हुई, लगी पड़ी है। 5,000 वाला गैर ब्रांड दिखाओ लोग, 5,000 वाला, 5,000 वाला दिखाओ। दीपिका पटाखा, कैटरीना पटाखा, क्या नहीं कॉक पटाखा बोला दीपिका पटाखा तो कह रहा है कि हाँ दीपिका पटाखा तो है, बताइए कॉक पटाखा भी वे कौन सा पटाखा? कॉक पटाखा, समझ ही गए होंगे, सही बताया तो हम नहीं समझे। कॉक पटाखा मार्केट ही मार्केट पूरी, ये बड़ी मार्केट नहीं है। तो अभी हम लोग, अभी ये तो बहुत छोटी मार्केट है, फिर यहाँ इतनी भीड़ है, आसपास वाले ही सब आए हुए हैं, लेकिन एक मार्केट और आगे है, इसमें तो वो स्टेडियम है पूरा, मिनी स्टेडियम, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट लगी है। तो यहाँ इतनी लगी है फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। अरे पटाखे देखे जाए, क्या रेट मिल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। पटाखा भंडार, जैसे पूड़ी का भंडार लगता है, इसी पटाखा भंडार लगा हुआ है। एक आग लगी और सब खत्म। अरे यार देखो, हम लोग को सीधे भागना है, सीधे, लेकिन भीड़ कैसे ऊपर से कैसे भागेंगे इन लोग के, ये जंगल में भागेंगे। कल एक दो चीज़ों को रेट पूछा जाए, इस रेट के हैं। अबे ग्रीन कलर होगा क्या इसमें, ये रंगीन है क्या? कितने का होगा ये कितने की होगी? 400 रुपये। कितने की होगी? अस्सी रुपए की है रंगीन फुलझड़ी, 80 रुपए की। अभी यही आप पटाखे अहियागंज में लेंगे तो 20-20 रुपए में पैकेट मिल जाएंगे। मतलब इन लोगों को पटाखे बेचने परेशानी हो रही है, मतलब इनको ग्राहक देख नहीं पा रहे, इतने ग्राहक खड़े हैं दुकान पे। मतलब हमको लगा था हम लोग को वो बुलाएंगे, लेकिन बुला भी नहीं रहे, लेना तो लो नहीं सुझाओ उस हिसाब से लोग पटाखे ले रहे हैं। अब ये नहीं पूछ लीजिए कितने का ये वाला, ये कितने का ये वाला, ये भी सीखा, ये भी सीखा, ये 220।
क्या कहना चाहेंगे मैडम सर? छोटे फुलझड़ी 80 रुपए की है, 10 पीस की फुलझड़ी 80 रुपए की है, और चक्रगिन्नी का पैकेट 5 चक्रगिन्नी 300 रुपए की है। बस क्या ले, एक चक्रगिन्नी ले लेते हैं, एक चक्रगिन्नी, एक पटाखा, एक एक फुलझड़ी ले लो, निपट जाओगे। मतलब टोटल वेस्ट है, बट वही है कि लग रहा हो आप लोग हम लोग खुद यहाँ पे आए हैं इस काम के लिए, बट एक शगुन के लिए है। कितने का? 180। क्या चीज है? अनार। अनार है ये, अच्छी लग रही है, जलेगी। और ये चक्रगिन्नी का, ये भी 180 भाई। और सस्ता बता दो, थोड़ा ले लिया जाए। तो भाई आए थे तो पटाखा लेने, लेकिन जा रहे हैं खाली पटाखे लेके, बहुत महंगे खाली पटाखे लेके जा रहे हैं, गौर करिए। हाँ कुछ नहीं ले पाए, इतनी देर तक उन्होंने देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, बहुत महंगा, समझ नहीं आता कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, बड़े देर क्योंकि पॉल्यूशन कम फैलाना है। बिलो थोड़ा सा ही लिया बस, पहले इन्जॉय करने के लिए, दिवाली को इन्जॉय करने के लिए बस, मतलब 2 मिनट का रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए बस, हो गया शुभ हो गया बस खत्म। चलिए अब घर चलते हैं। जैसा कि आपको दिखाया, एक तरफ लोग 1000 रुपये पटाखे लेके जा रहे, 10000 रुपये पटाखे, और दूसरी तरफ एक और नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको, जहाँ पे बंदा एक एक 2-2 रुपये के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पे लोगों के पास पैसे जलाने के लिए मगर पैसे देने के लिए नहीं, कोई देख भी नहीं रहा उनकी तरफ, हम लोग देखेंगे। आज मेरा दिवाली ब्लॉग है, सेकंड ब्लॉग, फर्स्ट नो ग्राफ, तीसरा अब दूसरा ये दिवाली है। तो ब्लॉग शुरू करते हैं, और बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ इस कुर्ते में, और अब अपनी पूजा शुरू कर दिया है क्योंकि टाइम हो गया पूजा का, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। Oh.
छत पे सब अब यहाँ मजा ले रहे हैं, दिए लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मिठाई भी करनी है थोड़ी सी, कुल्हड़ी जलाने वाले हैं, पहले मिठाई खिलाओ। काजू वाली काजू बर्फी हेलो। और आज के दिन अभी ज़्यादा नहीं खाए तो खाने जा रहे हैं मिठाई, और मिठाई देख के लालच भी बहुत आ रहा है। पापा जी जलाने जा रहे हैं छोटी सी फुलझड़ी, देखते हैं कितनी देर में जलते हैं, क्योंकि मोमबत्ती हो वो तो जल गई। हाँ छोटी से बड़ी वाली जला रहे हैं और काफ़ी बढ़िया जला दी भैया, खत्म पापा जी इंजॉय कर रहे हैं फुलझड़ी जला के। हाँ घुमा का नहीं रहे हो, घुमाओ आप घुमाओ, ये फाइनली ये खत्म। भाई ये है पॉप अप वाले पटाखे, लहसुन भी कह सकते हैं आप, तो चलिए इसी को थोड़ा सा लगा लेते हैं, थोड़ी सी फुलझड़ी भी जला लेते हैं। तो चलिए आप ये खोलते हैं, हैं सब सब नहीं एक एक खोलो चाइनीज लहसुन। पता भी नहीं चलता कब फूट गया, देखिए मम्मी करो हेलो, हैप्पी दिवाली ब्रदर। ओके ओके चालू, मम्मी फुलझड़ी जलाते हुए और भी साथ खेलते हुए बढ़िया लगता है ना मम्मी ये, और पटाखे पटाखे नहीं है क्यों, और पोल्यूशन वो तो होता ही है, देखो रूम में एकदम अजीब सा लग रहा है, तो स्टील का होता है। यहाँ पे कहीं से घूम फिर के कहाँ गए थे, दिखाएंगे सब लोग आज ही खा लो, कल से नहीं खाओगे। क्या है गिरा दो, खिलाओ me।
गाइस इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि सांस लेने में भी पटाखे आ रही हो जो उसमें एनवायरनमेंट पूरी तरह से जो पूरा रिफ्लेक्ट है।